अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, बेहतरीन होंगे और केमिस्ट्री को एंजॉय कर रहे होंगे। बात कर रहे थे केमिस्ट्री की, चैप्टर 7 स्टार्ट किया हुआ था, ऑलमोस्ट हम एंड तक पहुँच गए हैं। टाइप्स पढ़ी थी हमने सेल्स की, वोल्टिक सेल पढ़े थे, गैल्वानिक सेल पढ़े थे, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज़ उसका हम जिक्र कर रहे थे। हमने सोडियम की तैयारी पढ़ ली थी, सोडियम मेटल की, सोडियम हाइड्रोक्साइड की, और फिर जिंक उसको हमने कैसे प्योरीफाई करना है उसको हमने पढ़ लिया था। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में पिछले कुछ लेक्चर्स में मैंने हिंट दिया था कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है। प्लेटिंग से मुराद एक तय पे, एक चीज़ पे किसी दूसरी चीज़ की तय लगा देना, प्लेटिंग। जैसे आप प्लेट्स होती हैं आपके पास, एक के ऊपर एक प्लेट, इसी तरह से केमिस्ट्री में भी प्लेटिंग यही है, एक के ऊपर दूसरी चीज़। इलेक्ट्रो निकला है वर्ड इलेक्ट्रिसिटी से, बाय यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो डिपॉजिट वन प्लेट ऑफ ए मेटल ऑन अनदर मेटल। बाय यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वी डिपॉजिट वन मेटल ऑन एन अदर। इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करते हुए या इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है ये, इसके ज़रिए हम एक मेटल को दूसरे मेटल पे किस तरह से डिपॉजिट करेंगे वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। आपने अक्सर सुना होगा कि ये चीज़ आयरन की है या लोहे की है और इस पे जिंक या गोल्ड उसका पानी चढ़ाया हुआ है। पानी चढ़ाने से यहाँ पे मुराद इलेक्ट्रोप्लेटिंग ही है कि हमारे पास आयरन है उसके ऊपर हमने गोल्ड की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर ली है या जिंक की कर ली है या कॉपर की कर ली है या फिर सिल्वर की कर ली है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस क्या है? सिंपल प्रोसेस है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का प्रोसेस है, और कैथोड एनोड जो हम पढ़ते आ रहे हैं वो इसमें यूज़ होंगे, इलेक्ट्रोलाइट भी यूज़ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये आयरन स्पून है, आयरन स्पून, ठीक है, लोहा उसका हमारे पास स्पून है, चम्मच है, हमने इसके ऊपर चांदी या सिल्वर उसकी कोटिंग करनी है, उसको कोट करना है कि किस तरह से हम इसके ऊपर चांदी चढ़ाएं ताकि ये हमें चांदी का चम्मच या सिल्वर स्पून हमें ये लगे। इसके लिए हम सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है, एक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन लेंगे। इलेक्ट्रोलाइट वही होगा जो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर रहा है या चार्ज को ट्रांसफ़र कर रहा है। अब चूंकि हमने सिल्वर को कोट करना है तो एक रॉड हम सिल्वर का ले लेंगे, एक रॉड सिल्वर का ले लेंगे, सिल्वर का एक रॉड ले लिया, स्पून वो ले लिया। तीसरी चीज़ जो हमें दरकार होगी, तीसरी चीज़ जो चाहिए होगी वो इलेक्ट्रोलाइट होगा, ऐसा सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रिसिटी का पास कर दे। अब वो इलेक्ट्रोलाइट का जो सॉल्यूशन होगा वो सेम सॉल्यूशन होगा उस मेटल का जो हम कोट करने जा रहे हैं। जो इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन होगा वो उस मेटल का सॉल्यूशन होगा या मेटल का साल्ट होगा जिसे हम कोट करने जा रहे हैं या जिसे प्लेट करने जा रहे हैं। अब चूंकि हम सिल्वर को या चांदी को कोट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो सॉल्यूशन हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं वो सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन आमतौर पे इस्तेमाल किया जाता है। प्रोसेस क्या होगा? प्रोसेस ये होगा, चांदी या सिल्वर या जिसको हमने कोट करना है, जिसको प्लेट करना है किसी दूसरे मेटल पे, उसको एनोड बना दिया जाएगा, एनोड, और जिस पे कोटिंग करनी है या जिस पे प्लेटिंग करनी है उसको कैथोड बना दिया जाएगा, उसको कैथोड बना दिया जाएगा और इलेक्ट्रिकली इसको कनेक्ट कर दिया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए या बैटरी के ज़रिए इसे कनेक्ट कर दिया जाएगा। ये हमारे पास बैटरी हो जाएगी, ये एनोड है, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होगा, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होगा।
इलेक्ट्रॉन याद रखें, इलेक्ट्रॉन हमेशा एनोड से कैथोड की तरफ मूव करेंगे, एनोड से कैथोड की तरफ मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र यानी इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं। अब वो प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज हों वो ऑक्सीडेशन कहलाता है, वो प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज हों वो ऑक्सीडेशन कहलाता है। होगा क्या, सिल्वर मेटल या चांदी की धातु जो होगी हमारे पास, उसकी ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाएगी बाय द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करेंगे, यूज़ करेंगे, सिल्वर की ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाएगी। सिल्वर की ऑक्सीडेशन के नतीजे में इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, वो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो हमारे पास बनेगी वो सिल्वर आयंस बनना शुरू हो जाएंगे, सिल्वर आयंस, सिल्वर मेटल्स डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा सॉल्यूशन के अंदर और इसके आयन बनना शुरू हो जाएंगे। अब ये आयन पॉजिटिव चार्ज के हामिल होंगे, कैटायंस होंगे, कैथोड जिस पे नेगेटिव चार्ज है, ये कैथोड जिसके ऊपर हमने सिल्वर को कोट करना है उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बिजली को गुजारने से या बिजली स्टार्ट करने के बाद इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सिल्वर जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत आसानी के साथ खुद ब खुद कैथोड की तरफ मूव करना शुरू हो जाएंगे। सिल्वर जो कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं, कैथोड से इलेक्ट्रॉन लेंगे और इसके ऊपर ही डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे, एक लेयर बना लेंगे चारों तरफ, एक लेयर बना लेंगे इस तरह से, एक मेटल दूसरे मेटल पे कोट कर लिया जाएगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी या जो कंडीशंस हमें दरकार होंगी, जो लाजमी होनी चाहिए, उनमें सबसे पहले हाई करंट डेंसिटी, हाई करंट डेंसिटी यानी कि बिजली या इलेक्ट्रिक करंट वो हाई वोल्टेज में हमें चाहिए होगा, उसके एम्पीयर ज़्यादा चाहिए होंगे, ज़्यादा ताकतवर करंट हमें चाहिए होगा। दूसरा लो टेम्परेचर, टेम्परेचर लो होना चाहिए सॉल्यूशन का, लो टेम्परेचर, करंट हाई और टेम्परेचर लो होना चाहिए। तीसरा हाई कंसंट्रेशन ऑफ मेटल इन इट्स इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोलाइट हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं उसमें मेटल कंसंट्रेशन ज़्यादा होनी चाहिए, उस मेटल की कंसंट्रेशन जो मेटल हमने कोट करना है या जो मेटल हमने प्लेट करना है। हाई कंसंट्रेशन ऑफ मेटल इन इलेक्ट्रोलाइट, ये तीन चीज़ें अगर हमारे पास होंगी तो आसानी के साथ वेरी इजी या इजीली हम कोई भी मेटल दूसरे मेटल पे कोट कर सकेंगे। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग का जो प्रोसेस है वो अहम क्यों है, उसका फ़ायदा क्या है? उसका सबसे बड़ा फ़ायदा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑल स्टील है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑन स्टील, आपको पता होगा स्टील या आयरन वो जल्दी रस्ट हो जाता है या उस पर जल्दी जल्दी जंग लग जाता है। जंग क्यों लगता है या रस्ट क्यों होता है, रस्टिंग का जो प्रोसेस है उसमें जो आयरन होगा वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करके कैटायन बन जाते हैं और वो कैटायन जो मॉइस्चर हवा में जो मॉइस्चर होगा उसके साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड में तब्दील हो जाता है। उसको बचाने के लिए हम मेटल जो हमारे पास धात है आयरन है उसके ऊपर हम कोई भी मेटल दूसरा कोट करते हैं ताकि उसको रस्टिंग से बचाया जा सके या जंग लगने से बचाया जा सके। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑन स्टील, स्टील के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के तीन तरीके हैं। नंबर वन जिंक प्लेटिंग, जिंक प्लेटिंग। नंबर टू टिन प्लेटिंग और नंबर थ्री जिंक प्लेटिंग, टिन प्लेटिंग और नंबर थ्री क्रोमियम प्लेटिंग, नंबर थ्री क्रोमियम प्लेटिंग।
जिंक प्लेटिंग में हम जिंक को कोट करेंगे आयरन के ऊपर, टिन प्लेटिंग में टिन को कोट करेंगे, और क्रोमियम प्लेटिंग में क्रोमियम का कोट करेंगे या क्रोमियम को प्लेट करेंगे। बारी बारी हम इन तीनों का प्रोसेस देख लेते हैं। प्रोसेस वही सेम है जो मैंने एग्जाम्पल में समझाया है। प्रोसेस वही है कि जिस मेटल को हमने प्लेट करना है या जिस मेटल को दूसरे मेटल पर लगाना है उसको एनोड बना लिया जाएगा और उसी का सोल्यूशन ले लिया जाएगा, और एक दूसरा मेटल जिसके ऊपर प्लेटिंग करनी है, वो तीन चीज़ें दरकार होंगी। सेम प्रोसेस होगा, सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स का यहाँ पे डिफरेंस होगा, बाकी प्रोसेस इन तीनों में सेम होगा, सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स यानी सोल्यूशन जो साल्ट सोल्यूशन होगा सिर्फ वो ही चेंज होगा। अगर हम जिंक प्लेटिंग की बात करें, जिंक प्लेटिंग में जिंक एनोड लिया जाएगा, स्टील कैथोड लिया जाएगा या आयरन, और तीसरे नंबर पे इलेक्ट्रोलाइट लिया जाएगा। इलेक्ट्रोलाइट जो लिया जाएगा वो हमारे पास पोटाशियम जिंक साइनाइड है, K2 Zn Cn4 K2 Zn Cn4 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, वेरी कॉम्प्लेक्स होता है। ये हम लेंगे, इसको इस्तेमाल करेंगे एज ए इलेक्ट्रोलाइट। जो सोल्यूशन हम लेंगे, सोल्यूशन में जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वो यही होगा। ये सोल्यूशन जब बन जाएगा, जब इस साल्ट को हम पानी में डाल लेंगे तो ये आयंस की सूरत में आ जाएगा, आयंस की सूरत में चेंज हो जाएगा। सबसे पहले क्या होगा, ये आयन में चेंज होगा और ये आयन में चेंज होगा, ये दो अलग अलग आयंस में चेंज हो जाएंगे। कैसे, K2 Zn Cn4 वाटर में पोटाशियम आयन अलग हो जाएंगे, K पॉजिटिव यहाँ पे हमारे पास दो है पोटाशियम, तो दो मोल इसके बन जाएंगे प्लस वन मोल इसका बनेगा Zn Cn4 -2। इस तरह से ये चेंज हो जाएगा। अब ये जो सोल्यूशन होगा, ये जो आयन होगा, ये मजीद सिंप्लीफाई होके जिंक आयन्स में चेंज हो जाएगा, मजीद सिंप्लीफाई होके जिंक आयन्स में चेंज हो जाएगा। किस तरह से, Zn Cn4 -2 इक्वल सोल्यूशन होगा इसका, इक्वल सोल्यूशन में ये जिंक प्लस टू प्लस Cn -1 4 चार Cn इसके बन जाएंगे -4। अब प्रोसेस ये होगा सेम उसी तरह से प्रोसेस, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी, जिंक जो रॉड है हमारे पास, जिंक का जो मेटल है उसको हम ऑक्सीडाइज करेंगे, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा एनोड से, उसके आयंस बन के सोल्यूशन में जाना शुरू हो जाएंगे, और कैथोड जिसके ऊपर हमने कोटिंग करनी है उसके ऊपर जाके ये डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। जो रिएक्शन होगा एनोड और कैथोड पे वो सेम होगा जिस तरह से पिछले रिएक्शन में होता रहा है, कि जिंक ऑक्सीडाइज हो जाएगा एनोड पे, जिंक जो है वो Zn+2+2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें तब्दील हो जाएगा, और कैथोड पे जो जिंक आयंस होंगे, ठीक है, एनोड पे मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स वो उस पर जाके डिपॉजिट हो जाएंगे, तो ये जिंक मेटल की लेयर दूसरे मेटल पे वो बन जाएगी या डिपॉजिट हो जाएगी। एक बात जो इसमें याद रखने की है वो ये कि साइनाइड के जो साल्ट्स होते हैं,
साइनाइड को जो साल्ट्स होते हैं वो इंतहाई पॉइजनस होते हैं, या साइनाइड आयल, सिंपल साइनाइड आयल, वो बहुत ज़्यादा जहरीला होता है और आम तौर पे उसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यहाँ पे स्पेशल केस है, जिंक की प्लेटिंग कर ली है तो ये इस्तेमाल करना पड़ेगा, इवन के अनटिल के कोई दूसरा साल्ट अवेलेबल ना हो जो इलेक्ट्रोलाइट अच्छी तरह बन सके। तो जिंक की प्लेटिंग जब कर ली जाएगी तो जो सोल्यूशन बचेगा उसके अंदर साइनाइड आयंस होंगे, और वो साइनाइड आयंस या वो वाटर जिसके अंदर साइनाइड आयन हो, उसको अगर साथ ही फौरन से अगर उसको पानी में डाल दिया जाए ड्रेनेज सिस्टम के ज़रिए, दरियाओं में या समंदरों में या इवन के कैनाल्स में उसको डाल दिया जाए, तो जो वाटर या इक्वस ऑर्गेनिज्म होंगे, जो जानदार जो पानी के अंदर रहते होंगे, इस जहरीले पानी की वजह से वो मर जाएंगे। तो इसके लिए लाजमी तरीका ये है, बेहतर तरीका ये है कि प्रोसेस जब आपने जिंक प्लेटिंग कर ली है उसके बाद वो पानी जिसके अंदर साइनाइड आयल है उसको पहले रिमूव किया जाए, देन उसको किसी भी वाटर बॉडी में ट्रांसफ़र किया जाए। दूसरे नंबर पे हमारे पास टिन प्लेटिंग है। टिन प्लेटिंग में हम जो साल्ट यूज़ करेंगे वो टिन सल्फेट या स्टेनस सल्फेट है। SN, टिन का फार्मूला या टिन का सिंबल SN है, टिन का सिंबल SN है। इसके लिए जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करेंगे वो SnSO4, स्टेनस सल्फेट, वो इस्तेमाल किया जाएगा। ये सॉल्यूशन में जाके Sn+2 और SO4-2 इसमें चेंज हो जाएगा। सेम रिएक्शन कैथोड और एनोड पे, सेम रिएक्शन होगा कैथोड पे, एनोड पे क्या होगा, एनोड पे जो टिन मेटल होगा वो ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाएगा, डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा सॉल्यूशन के अंदर, और कैथोड पे जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। और कैथोड वो मेटल होगा या वो स्टील होगा जिसके ऊपर हमने टिन को कोट करना है या टिन की प्लेटिंग करनी है। सेम रिएक्शन एनोड पे SN विल चेंज इनटू Sn+2+2 इलेक्ट्रॉन्स, और कैथोड पे Sn+2+2 इलेक्ट्रॉन्स विल फॉर्म टिल मेटल। ये मेटल उसी तरह स्टील के ऊपर कोट आ जाएगा जिस तरह से स्पूल के ऊपर सिल्वर या चांदी कोट किया गया था। अब टिल प्लेटिंग जो है वो सबसे अहम है, टिल प्लेटिंग कहाँ पे इस्तेमाल होती है, अपने फूड कैन्स, जो अपने कोल्ड ड्रिंक्स उसके कैन देखे होंगे, या स्टोर फूड डब्बे वाले, उसके अंदर जो अंदरूनी तय होगी या अंदर से जो आयरन होगा या जो बॉक्स है वो टिल प्लेटेड होगा। वो टिल प्लेटेड क्यों होगा, वो इसलिए कि टिल नॉन पॉइजनस है। स्टेनक जो है या टिल जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता इजीली, वो इजीली ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, और दूसरा वाटर के साथ वो रिएक्ट नहीं कर सकता, या जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं फूड के अंदर उनके साथ वो रिएक्ट नहीं कर सकता। अगर कर भी ले तो इतना ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है, जबकि आयरन वो अगर रिएक्ट कर ले तो वो इंतहाई नुकसानदेह है। तो किया ये जाता है, जो आयरन बॉक्सेस इस्तेमाल किए जाते हैं उनको टिल प्लेटेड कर लिया जाता है और फिर उसके अंदर खाना स्टोर किया जाता है ताकि खाना जहरीला ना हो सके या उसमें पॉइजन ना फैल सके। तीसरे नंबर पे हमारे पास क्रोमियम प्लेटिंग है। क्रोमियम प्लेटिंग के लिए जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया जाएगा वो Cr2SO4 thrice, क्रोमियम सल्फेट। इसके लिए भी सल्फेट का ही सॉल्यूशन या सल्फेट का ही साल्ट
इस्तेमाल किया जाएगा। वाटर में जाते ही ये साल्ट क्रोमियम प्लस 3 प्लस SO4 माइनस 2 इसमें चेंज हो जाएगा। सेम प्रोसेस जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई की जाएगी, क्रोमियम मेटल जो है, क्रोमियम का जो रॉड होगा हमारे पास, वो ऑक्सीडाइज होना शुरू होगा। ऑक्सीडेशन के नतीजे में इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो कैटाइल बनेंगे, कैटाइल विल ट्रांसफ़र इनटू सॉल्यूशन और सॉल्यूशन में वो कैथोड की तरफ मूव करेंगे, वो कैथोड जिसके ऊपर क्रोमियम को प्लेट किया जाना है। इसमें हमारे पास एनोड पे जो रिएक्शन होगा, सेम क्रोमियम विल चेंज इनटू क्रोमियम कैटाइल प्लस इलेक्ट्रॉन्स, और कैथोड पे क्रोमियम आयल प्लस इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्लेटेड ऑन स्टील। इस तरह से ये रिएक्शन होगा। अब क्रोमियम या निकल क्रोमियम की प्लेटिंग के लिए या क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए क्रोमियम को डायरेक्टली स्टील के ऊपर डिपॉजिट नहीं किया जा सकता। इसके लिए सबसे पहले क्रोमियम को कॉपर से प्लेट किया जाता है या निकल से प्लेट किया जाता है। क्रोमियम की प्लेटिंग के लिए डायरेक्टली क्रोमियम को स्टील के ऊपर डिपॉजिट नहीं किया जा सकता, उसके लिए सबसे पहले स्टील को कॉपर या निकल से इलेक्ट्रोप्लेट करना होगा, देन उसके ऊपर दूसरी कवरिंग क्रोमियम की जाएगी। क्रोमियम के जो इलेक्ट्रोप्लेटेड मटेरियल होगा उसका इस्तेमाल वो हमारे ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स लाइक बाइक्स कार्स वगैरह, उनके जो पार्ट्स होंगे, उनके इंजन के पार्ट्स, वो क्रोमियम इलेक्ट्रोप्लेटेड होंगे या क्रोमियम प्लेटेड होंगे, ताकि ऑयल के साथ आयरन का रिएक्शन ना हो सके। आज के लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया है, मैं रिवाइज कर दूं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू डिपॉजिट वन मेटल ऑन अनदर मेटल, वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए क्या चीज़ें दरकार होंगी, कंडीशंस क्या दरकार होंगी, हाई करंट, लो टेम्परेचर और हाई कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये तीन चीज़ें लाजमी चाहिए होंगी। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो सिलेबस में हमारे पास मौजूद है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑल स्टील है। स्टील के ऊपर किसी दूसरे मेटल को डिपॉजिट करना वो हमारे पास मौजूद है। उसमें हमारे पास तीन टाइप्स है, जिंक प्लेटिंग है, टिन प्लेटिंग है और क्रोमियम प्लेटिंग है। जिंक प्लेटिंग में जिंक को डिपॉजिट किया जाएगा, क्रोमियम में क्रोमियम को और टिन में टिन को। उसके लिए सबसे पहले हमारे पास मेटल रॉड होना चाहिए जो कि डिपॉजिट किया जाना है। उसके अलावा उसी का साल्ट सॉल्यूशन होना चाहिए जिसको डिपॉजिट किया जाना है। तीसरे नंबर पे वो मेटल जिसके ऊपर डिपॉजिट करना है यानी स्टील, वो हमारे पास मौजूद होना चाहिए। इस तरह से एनोड पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होगा और कैथोड पे रिडक्शन का प्रोसेस होगा और रिएक्शन कंप्लीट। दैट्स ऑल।